सफेद कपड़ा हुए पहने एक लड़की धीरे धीरे पानी के अंदर जा रही थी और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट होता है। फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि एक छोटी सी कम्युनिटी में सेला और उसकी बहन तमार बैठकर झरने को देख रहे थे। तभी सेला ने तमार को डरा दिया और दोनों इससे हंसते हुए जंगल के बीच से निकलकर लड़कियों के कमरे में पहुंच गए, जिन्हें वे सभी अपना घर कहते थे। वहां पर और भी कई औरतें थी जिन्हें डॉटर्स और वाइफ कहा जाता है। ये सभी औरतें यहाँ पर मिलकर रहती हैं। फिर खाना ढूंढने से लेकर सभी काम करने के बाद में सभी औरतें और लड़कियाँ मिलकर कम्युनिटी के इकलौते मर्द और उनके लीडर शेफर्ड की पूजा करती हैं। अब खाने के समय बेटियाँ यानी कि डॉटर्स नीले कपड़ों में टेबल की एक तरफ बैठी हुई होती हैं और पत्नियाँ यानी कि वाइफ्स लाल कपड़ों में दूसरी तरफ। फिर जैसे ही शेफर्ड का खाना पूरा हो जाता है वो अपनी एक पत्नी को अपनी कृपा देने के लिए चुनता है और फिर रोज रात में बेटियां अपनी माँ से अलग सोती है और उससे पहले शेफर्ड को भगवान की तरह पूजती हैं। फिर अगली सुबह शेफर्ड सभी को अपना ज्ञान बांटने आता है और वो सभी को अपनी पत्नी बनने की किस्मत के बारे में बताते हुए ये कहता है कि कैसे उसने उन्हें हर चीज देने के लिए खुद की जिंदगी को कुर्बान कर दी। और फिर सफेद कपड़ों में बैठी सभी लेडीज उसकी तारीफ करने लग जाती है, लेकिन सेला अपने ख्यालों में खोई हुई थी। फिर शेफर्ड ने अपनी उंगलियां बकरी के खून में भिगाकर औरतों के मुंह पर लगाई और सभी औरतें उसकी तारीफें करती रहीं। कुछ लड़कियां तो शेफर्ड का आशीर्वाद पाकर रोने लगी और कुछ देर के बाद में सेला और तमार अकेले जंगल में थे। सेला को शेफर्ड दूर से नजर आ गया था तो उसने तमार को घर जाने को कहा और वो अकेली वहीं पर खड़ी रही। दोनों घूमते हुए बातें कर रहे थे तो शेफर्ड ने सेला से उसका दिया ज्ञान न सुनने के बारे में पूछा। सेला इस बात पर चिढ़ गई पर फिर उसे लगा कि शेफर्ड शायद मजाक कर रहा है तो वह हंसने लगी। फिर शेफर्ड ने सेला के खूबसूरत होने पर तारीफ की और उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाने लगा। सेला ने शेफर्ड को उसकी माँ की कहानी सुनाने को कहा मगर शेफर्ड ने मना कर दिया और इसके बदले में वो सेला को किस करने आ गया, लेकिन वो ऐसा करने से पहले रुक गया। उसने सेला को अपने बाल उसकी पत्नियों से फिर से बनाने को कहा और चला गया। फिर उसके जाने के बाद में सेला ये सोचकर शर्माने लगी कि अब जल्दी ही वो शेफर्ड की पत्नी बन जाएगी। घर के अंदर सेला और उसकी एक और बहन तबाथा घर के काम कर रही थी और एलोइस जो कि एक वाइफ है उसने शेफर्ड के साथ में बिताई पिछले रात के बारे में बताने लगी। इससे सेला को जलन होने लगी क्योंकि एलोइस अभी अभी शेफर्ड की पत्नी बन गई है जबकि दोनों की उम्र बराबर है। तबाथा ने उसे वाइफ से बदतमीजी से बात न करने को कहा जिससे कि दोनों आपस में झगड़ा करने लग गई और फिर इतने में तबाथा की माँ वहां पर आई और दोनों को शांत कराने के लिए सेला को बचा हुआ खाना झोपड़ी में ले जाने को कहा जहाँ पर अशुद्ध और पापी लड़कियाँ रहती हैं। झोपड़ी में एक बेहोश लड़की थी जो कि अशुद्ध होने के कारण एक तरह का उपवास करती है क्योंकि उसके पीरियड चल रहे थे। और एक लड़की सारा बाहर आई जिसके शरीर पर चोट के निशान थे। सारा इतना सा बचा हुआ खाना देखकर चौंक गई थी पर सेला ने फिर भी उसे खाने को कहा ताकि वो जल्दी से शुद्ध हो जाए। सेला को लगता था कि जिन लड़कियों को उनसे दूर इस झोपड़ी में भेजा जाता है उन्हें यहाँ पर सजा भुगतनी चाहिए जैसे कि उसकी बेहोश बहन कर रही थी। शेफर्ड के मुताबिक ये सभी लड़कियां ईव के पाप की सजा भुगतती है पर सेला ने सेला को इसके लिए तैयार रहने को कहा क्योंकि जब उसका टाइम आएगा तो वो भी शेफर्ड के लिए खास नहीं बचेगी। सेला उसके और उसकी माँ के ऊपर की हुई सारा की बातों से थोड़ी परेशान हो गई और फिर बाहर आकर वो अपना गुस्सा शांत करने के लिए पत्थर फेंकने लग गई। फिर उस रात एड्रियल एक प्रेग्नेंट वाइफ अपनी बेटी लिली को बेटियों के कमरे में सुलाने आई और लिली ने उसे कहानी सुनाने को कहा जिस पर एड्रियल ने उसे याद दिलाया कि सिर्फ शेफर्ड ही उन्हें कहानी सुना सकता है, जिसके बाद में सभी सोने के लिए चले गए। और फिर सेला के मन में शेफर्ड के लिए जरूरत से ज्यादा प्यार बढ़ गया और वो उसे खिड़की से देखने लग गई। शेफर्ड भी अपनी खिड़की से सेला को देख रहा था पर तभी उसके कमरे में सेला ने इलियोस को देखा और फिर दोनों मिलकर सेला को देखने लग गए। और फिर शेफर्ड ने अपनी दो उंगलियां उसके सामने एलोइस के मुंह में डाल दी। अब अगले दिन जब कुछ नई पत्नियां शेफर्ड को नहला रही थी तो पुरानी पत्नियां अपनी बेटियों को नहला रही थी। शेफर्ड ने फिर सेला को एक बकरी के बच्चे को जन्म देने में मदद करने के लिए कहा और सभी ने उसे ऐसा करने के लिए थोड़ी सलाह दी, लेकिन सेला इस बात से खुश थी कि शेफर्ड ने उसे यह काम दिया था। फिर पहाड़ों के बीच बकरियों के साथ सेला अकेली बैठी थी और जन्म का इंतजार करते हुए सेला की आंख लग गई। जब सेला की नींद खुली तो उसने अपने पास मरती हुई बकरी और उसके बच्चे को देखा और इसी बीच उसे पता चला कि उसके पीरियड्स आ गए हैं। अब उस शाम सेला ने वापस घर आकर फिर से देखा कि ऐसा है या नहीं और जब उसे अपने हाथ पर खून दिखा
तो वो उसे साफ करके चिल्लाने लग गई। फिर रात में उसने तबाथा को ये बताया कि एक कुत्ते ने बकरी के बच्चे को खा लिया, लेकिन उसे अपनी आंखों में वो खुद और बच्चों को मरता हुआ देख रही थी। जब पत्नियों को पता चला कि बकरी मर गई है तो वो सेला को चर्च में लेकर आए और शेफर्ड ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन सेला को अभी भी दुख था क्योंकि वो अशुद्ध है। फिर एक रात सबके सोने के बाद में सेला ने शेफर्ड को पुलिस वाले से बात करते हुए सुना, जो कि शेफर्ड से ये जगह खाली करने को कह रहा था, वरना वो उन सबको गिरफ्तार कर लेगा। फिर अगले दिन शेफर्ड ने सबको कहा कि उन्हें ईडन की खोज में जाना होगा, जिसके बाद में वो अपनी पीठ के बल गिरा और सभी औरतें उसके पास आ गई, लेकिन सेला कुछ सोच रही थी और वो अपनी जगह पर ही खड़ी रही। फिर शेफर्ड सभी औरतों के साथ में मिलकर हंसने लगा और सब उसे कंधों पर उठाकर ले गई। सभी अपने नए घर की खोज पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन सेला को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वो अपनी सोच से तब बाहर आई जब शेफर्ड ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा, जो कि वो तब करता है जब उसे कोई बेटी पसंद आ जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद में शेफर्ड सेला के पास आया, जो कि जंगल में अकेली बैठी हुई अपने घर को छोड़ने पर दुखी थी, पर शेफर्ड ने उसे हिम्मत रखने को कहा और घर छोड़ने से पहले सभी औरतों ने कुछ रीति रिवाजों वाले गाने गाए और वो वहाँ से जाने लगी। सभी ने अपने कपड़े और बकरियाँ ले ली थी और पैदल पैदल सफ़र कर रहे थे। सभी खाना खाने और आराम करने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर में रुक रहे थे। फिर जब वो रास्ते में मिले कुछ खाली घरों के पास आए तो सेला ने शेफर्ड से पूछा कि वो इन घरों में क्यों नहीं रह सकते, जिस पर शेफर्ड ने कहा कि टूटे हुए लोगों ने इन घरों को बनाया है, और वो फिर से आराम करने के लिए रुक गए। और फिर सेला आग के पास में बैठी हुई थी और शेफर्ड अपने टेंट में फिर से एलियोस के साथ में था। अब रात में सेला फिर से उन खाली घरों में वापस आई और वहाँ पर लगी तस्वीर देखने लगी, और जैसे ही पलटी एलियोस उसके सामने आकर खड़ी हो गई और वो हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी जल्दी गायब हो गई जब उसने अपने गले की चोट को सेला को दिखाया। अब अगले दिन सेला अपना खून और नहीं छुपा पाई, जिसे देखकर तबाथा चिल्लाने लगी। वो उसे अशुद्ध बुलाने लगी, जिससे कि अब सेला को भी सबसे आखिर में सारा के साथ में सफ़र करना पड़ता है, जिसकी उसने कुछ दिन पहले ही बेइज्जती करी थी। अब कुछ देर के बाद में तेज हवाओं के कारण ग्रुप फिर से आराम करने के लिए रुक जाता है और पत्नियां शेफर्ड की तरफ उम्मीद से देखने लगी थी, जो कि दो बेटियों को बाहों में लेकर बैठा हुआ था। वो याद करने लग जाती है कि उनकी जवानी में भी शेफर्ड उन्हें ऐसे ही अपने गले से लगाए रखता था। और फिर तभी एक जवान पत्नी ये बताती है कि शेफर्ड को अब उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो अब पुरानी हो चुकी है, जिसके कारण उसे एक पत्नी ने चाटा मार दिया। और उसी टाइम सेला ने मौका देखकर सारा से उसकी माँ के बारे में पूछा, और सारा ने बताया कि सेला की माँ जन्म देते टाइम नहीं मरी थी, बल्कि उन्हें इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन शेफर्ड ने डॉक्टर को दिखाने से मना कर दिया, जिससे कि उनकी मौत हो गई। सारा और सेला की माँ ने साथ में ये ग्रुप को ज्वाइन किया था, लेकिन जल्दी ही उसकी माँ मर गई। अब इस मुश्किल सफ़र में सेला शेफर्ड की बातों पर शक करने लग गई थी। उसने दूर एक कार को जाते हुए देखा तो उसने खुद को उसमें बैठा हुआ देखा, और उसने एक नॉर्मल लड़की की तरह कपड़े पहने हुए थे। फिर उसने देखा कि उसकी माँ और सारा भी आगे बैठे हैं, और वो अपने ही इन अजीब ख्यालों में खो चुकी थी। अब उस रात से सारा को सेला के साथ में रहना अच्छा लगने लगा था, क्योंकि वो आराम से शेफर्ड के बारे में उससे बात कर सकती थी। सेला भी उसके बारे में वैसा ही कुछ सोचती है, लेकिन उसे हमेशा से ढंग से रहने को सिखाया गया था। सारा ने फिर उसे एक बात बताई कि वो आधी रात में चुपचाप से घर के बाहर निकल जाती थी, और वो झरने के सामने जाकर बिना कपड़े पहने खड़ी रहती थी, जिससे कि उसे आज़ादी महसूस होती थी। जब सेला सोचने लगी कि सारा अभी तक भागी क्यों नहीं, तो सारा ने बताया कि अब तो उसे ये भी नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, और उसके पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। फिर उस रात सेला और सारा को इतना करीब देखकर शेफर्ड ने अपने लिए सारा के प्यार का इस्तेमाल किया और उसके साथ अपनी रात बिताई, और अगले दिन से सेला को भी बाकियों के साथ चलने की इजाज़त मिल गई। और फिर शेफर्ड ने सेला को सारा के साथ में अकेला छोड़ने के लिए उससे माफ़ी भी मांगी, जिसे वो पापी समझता है। और इसी बीच एड्रियल के पेट में इतना चलने के कारण दर्द होने लगा, क्योंकि एड्रियल प्रेग्नेंट थी, और उसके चिल्लाने की आवाज़ से सभी बेटियाँ एक दूसरे के हाथ पकड़ के डरने लगी। सभी पत्नियाँ उसे इस टाइम में उठाकर साथ ले जाने लगी, लेकिन कुछ देर में एड्रियल की मौत हो गई, और उसके फ्यूनरल पर अपनी माँ के लिए रो रही लिली को शेफर्ड जबरदस्ती वहाँ से उठाकर ले गया। सारा ने उसकी मौत के लिए शेफर्ड पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, और उसने शेफर्ड को उसके असली नाम माइकल से बुलाया।
लेकिन शेफर्ड ने उसकी बातें अनसुनी करते हुए एड्रियल की लाश जला दी, जिस पर सभी पत्नियों ने एड्रियल के लिए प्रार्थना भी की। सेला ने फिर से अपने आप को एड्रियल की जलती लाश के सामने खड़ा देखा और अगले दिन सेला ने देखा कि सारा उनके पीछे नहीं आ रही है। सारा उनसे कहती है कि वो एड्रियल के बच्चे के साथ यहाँ से जा रही है क्योंकि शेफर्ड ने उस बच्चे को वहीं पर छोड़ देने को कहा था क्योंकि वो गलत तरीके से पैदा हुआ है। असल में वो बच्चा एक लड़का था और शेफर्ड के मुताबिक एक ग्रुप में बस एक ही मर्द हो सकता है। सेला ने सारा को हिम्मत रखने को कहा और जाने से पहले अपनी बहनों की मदद करने को बोला और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे तमार ने शेफर्ड से पूछा कि क्या वो अपने नए घर के करीब आए हैं या नहीं, जिस पर शेफर्ड कोई जवाब नहीं देता। पर तमार को लग रहा था कि वो लोग गलत दिशा में चल रहे हैं, जिससे कि गुस्से में आकर शेफर्ड ने तमार को थप्पड़ मार दिया और कुछ देर और मारने के बाद में शेफर्ड ने तमार को घसीटकर खुद रास्ता दिखाने को कहा। सभी औरतें इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उन्हें भी शेफर्ड की मां से डर लगता था, लेकिन सेला इस नज़ारे को बिना पल के झपकाए देखती रही जब शेफर्ड तमार को मार रहा था। और फिर कुछ देर के बाद में शेफर्ड ने एक तालाब के पास की जमीन को अपना नया घर घोषित कर दिया और इस सफर से सभी बेटियां परेशान हो गई थी, तो शेफर्ड ने फिर उनके सारे पाप और बालों को धोना शुरू कर दिया जो कि एक तरीके से उसका उन पर काबू रखने का तरीका था। एक लड़की ने सबको ये बताया कि उसे फिर से अलग महसूस होने लगा है, लेकिन जब सेला की बारी आई तो उसे उसने दूसरों से ज़्यादा देर तक पानी के अंदर रखा और अंदर सेला ने अपने आप को लाल पानी के अंदर सफ़ेद कपड़ों में बैठा हुआ देखा। उसके अंदर फिर से बहुत ही गुस्सा भरा हुआ था और इतने में शेफर्ड ने उसे पानी से बाहर निकाल दिया। अब उस वक्त शेफर्ड ने आखिरकार सेला को अपने टेंट में बुलाया, लेकिन तमारा ने उसे वहाँ पर जाने से मना कर दिया क्योंकि सभी औरतें शेफर्ड से अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को ऐसे ही छोड़ देने के लिए बहुत नाराज़ थी। लेकिन सेला फिर भी वहाँ पर गई क्योंकि उसे हमेशा से ही शेफर्ड की बातें मानना सिखाया गया था। अब टेंट के अंदर शेफर्ड ने सेला को अपने बाल खोलने को कहा और उसकी खूबसूरती की बहुत तारीफ करने लगा। फिर उसने अपनी दो उंगलियां सेला के मुंह में डाली ताकि वो चिल्ला ना सके और सेला बिना हिले बस ये सोचती रही कि आखिरकार वो यहाँ पर कर क्या रही है। उसे फिर वो खुद और ज़्यादा गुस्से में दिखाई देने लगी और वो सपना देखने लग गई कि सभी औरतों ने मिलकर शेफर्ड को टुकड़ों टुकड़ों में काट कर मार डाला है और उसका खून कर दिया है। फिर उस रात वापस आकर सेला ने एक रूल तोड़ दिया और सबको सारा से सीखी हुई एक कहानी सुनाने लग गई क्योंकि वो लोग इससे भी अच्छी दुनिया के लायक थी। सेला ने उन सभी को एक लड़की की कहानी सुनाई जो कि झरने के सामने बिना कपड़ों के खड़ी थी। फिर अगली सुबह जब सभी बेटियां उठती है तो देखती है कि सभी पत्नियां वहां से गायब हो गई है। फिर वो नदी के पास में आती है और देखती है कि शेफर्ड पत्नियों के गाउन के सामने घुटने पर बैठा हुआ है। शेफर्ड ये बताता है कि कैसे उनकी माँ और उसकी पत्नियों को ये नदी अपने साथ ले गई और कैसे अब वो अमर हो गई है। बेटी अपनी माँ के गुम हो जाने से रोने लग गई थी, मगर इस बात को नज़रअंदाज करके शेफर्ड ने यह कहा कि अब उन्हें उसकी पत्नियों की जगह लेनी होगी। शेफर्ड ने सबसे पहले सेला से शादी करने को पूछा और कहा कि वो उसे अपनी सारी कृपा देगा, लेकिन गुस्से से भरी सेला ने उसे शादी करने से मना करते हुए यह कहा कि वो उनका शेफर्ड नहीं है। शेफर्ड अपनी पसंदीदा बेटी से ना सुनकर चौंक गया और उसने उसे थप्पड़ मार दिया। सेला को फिर समझ आ गया कि उसने उनकी माँ के साथ में क्या किया है और फिर हम देखते हैं कि शेफर्ड उसे और जोर जोर से थप्पड़ मार देता है। फिर थोड़ी देर के बाद में पुलिस उस जगह पर आती है, लेकिन पुरानी पत्नियों के सारे सबूत गायब हो गए थे। उन्होंने पैरों के कुछ निशानों का पीछा किया और उन्हें शेफर्ड की पेंटिंग्स और सबूत मिले कि यहाँ पर कोई रहा करता है। और फिर उन्हें शेफर्ड भी मिल गया जो कि पेड़ से बंधा हुआ था, लेकिन वो मर चुका था। उसके सिर पर सिंगों का एक ताज था जो बताता है कि वो शेफर्ड के रूप में एक शैतान था। और फिर मूवी के आखिर में सभी बेटियाँ एक झरने के सामने खड़ी थी जैसा कि सारा की कहानी में बताया गया था, और सेला सबसे आगे अपने हाथ में एक बकरे का बच्चा लेकर खड़ी थी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है जिसमें बताया गया है कि कुछ औरतें बाकी दुनिया से अलग एक कम्युनिटी में रहती है जहाँ का लीडर बस एक ही मर्द होता है जो कि शेफर्ड था, और शेफर्ड का असली नाम माइकल था जो कि कम्युनिटी को चलाता है। शेफर्ड के अनुसार उसकी कम्युनिटी में सिर्फ दो तरह की औरतें रह सकती है, या तो पत्नियाँ या तो बेटियाँ, जिसमें कि शेफर्ड अपनी हर रात एक नई पत्नी के साथ बिताता है और वो पुरानी हो जाने के बाद में वो नई पत्नियों को चुनता है। जब बेटियां बड़ी हो जाती है और उनके पीरियड्स आने लग जाते हैं तो वो उन्हें भी पत्नियों का दर्जा देने लग जाता है। शेफर्ड सभी औरतों को बाकी दुनिया से काट कर रखता है जिससे कि उन्हें ये लगता है कि उनकी दुनिया बस इस जंगल में है और शेफर्ड ही उनका भगवान है, और इसीलिए सभी औरतें उन्हें पूछती भी है।
लेकिन धीरे धीरे सेला को समझ आने लग जाता है कि शेफर्ड आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। और मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि बगावत करने वाली औरतों को शेफर्ड मार देता है, लेकिन सेला के साथ में बची हुई लड़कियों ने मिलकर शेफर्ड को ही मार दिया था। और उनके अनुसार आज़ादी का मतलब था झरने के सामने खड़े होकर आज़ादी को महसूस करना। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।